ओके तार भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई टेक्नो की तरफ से आने वाले बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में। जी हां गाइस, टेक्नो ने भाई फाइनली हमारे इंडिया में अपना एक बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो कि भाई टेक्नो स्पार्क 8C। एंड बेसिकली जो स्मार्टफोन है वो बजट सेगमेंट में भी आपको काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देने वाला है। तो यार इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। एंड अगर आपका बजट अंडर 10,000 रुपीज है तो क्या आपको टेक्नो स्पार्क 8C ये स्मार्टफोन परचेस करना भी चाहिए या नहीं गेमिंग के लिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम इसके जायरोस्कोप और इसकी हीटिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी मोबाइल फिर BGMI में आपको ये बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है, ओवरऑल क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और किस प्राइस पॉइंट पे ये देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कारण से भाई हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उक्ता टेक्नो स्पार्क 8C जो स्मार्टफोन है वो आपको अभी अमेजोन पे 7,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स जो देखने को मिलने वाले हैं वो भी क्वाइट इंप्रेसिव देखने को मिलने वाले हैं। इस प्राइस सेगमेंट के साथ में शायद ही आपको कोई स्मार्टफोन ब्रांड ऐसे स्पेक्स जो है वो प्रोवाइड करके देता हो। पर जो भी है टेक्नो स्पार्क 8C इस फोन के स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड इसकी प्राइस सेगमेंट के बारे में तो यार हम इस वीडियो के लास्टली डिस्कस तो करने ही वाले, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में और जान लेते हैं कि भाई आखिर फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से भाई हम इसमें टेस्ट करने वाले पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, इन दोनों में ही यहाँ पर आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में। हाई जी हाँ गाइस, आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिल जाता है भाई स्मूथर हाई। और वही बात करते हैं इस फोन के हाई ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ आप आपको बैलेंस में भी हाई, NHD में भी आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 30%, मैक्सिमम ग्राफिक्स में भी आप 30% ही गेम प्ले कर पाओगे टेक्नो स्पार्क 8C 4G इस फोन के साथ में। तो ग्राफिक्स सेटिंग यार इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी जस्टिफाई निकल के आती है, एंड मैं इसकी ग्राफिक्स सेटिंग को बिल्कुल भी घटिया नहीं कहने वाला क्योंकि आपको परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव देखने को मिलने वाली है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूंगा इसके इस फोन में आपको कोई भी मेजर लैग वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ क्लोज कॉम्बैट में अगर आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पर फाइट लोगे तो उस सिनेरियो में यहाँ आपको हल्का फुल्का लैग वाला इशू देखने को मिल सकता है, और रेंडरिंग को लेकर कोई मेजर इशू भी देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि ग्राफिक्स को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा आपको इस फोन के साथ में, बट ओवरऑल बात करते भाई FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, इस फोन में आपको 30 FPS की स्टेबिलिटी काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। एंड यूजुअली भाई कोई भी लो एंड स्मार्टफोन में अगर आप 30 FPS में गेमिंग करोगे तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रेसिव देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यार 30 FPS को मेंटेन करने में कोई भी स्मार्टफोन कैपेबल होता ही है। तो सिमिलर कैसे आपको इस फोन में भी देखने को मिल जाएगा, ये भी फोन आपको 30 FPS बहुत ही इजिली मेंटेन करके देने वाला है भाई TDM में। TDM में जब फोन में 28 से 30 FPS बहुत ही इजिली मेंटेन कर पाते हैं, कहीं भी आपको मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। सिमिलर केस आपको इरांगल में भी देखने को मिलता है, इरांगल में भी जो फोन है काफी हद तक 27, 28 और 30 FPS को मेंटेन कर पाता है, बस क्लोज कॉम्बैट में कभी कभी इसके जो FPS वो आपको 26, 25 FPS तक आते हुए दिखाई देंगे, बट वो बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है। आपको मोस्टली जो फोन है वो 27 से लेकर 30 FPS बहुत ही इजिली प्रोवाइड करके देने वाला है भाई इरांगल में। तो इन शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो TDM इरांगल में एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर आप 30 FPS में गेम प्ले कर पाओगे भाई टेक्नो स्पार्क 8C इस फोन के साथ में। लेकिन वही बात करते भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक्यो बूट कैंप के बारे में, क्योंकि अंश को पता है कि भाई वहाँ पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहाँ पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और उस टाइम पे तो बड़े बड़े फोन जब वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते तो भाई क्वेश्चन तो निकल के आएगा कि क्या टेक्नो स्पार्क 8C की क्या ये स्मार्टफोन भी सैनोक्यो बूट कैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर गया नहीं। तो देखा अगर आप इस फोन के समय सैनोक्यो बूट कैंप करोगे और जब आप प्लेन जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहाँ पे आपको अप टू 24-25 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, कभी कभी इसके जो FPS 21 FPS भी टच कर जाते हैं जैसे ही आप प्लेन से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पलक झपकते ही रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो FPS 25 लेके 30 के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज भी जब आप लैंड कर चुके हो, आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है तो भी उस इंटेंस भसड़ में टेक्नो स्पार्क 8C इसके जो FPS आपको ऑल द टाइम बिल्कुल प्रॉपर 27 लेके 30 के बीच में तो होवर करते हुए दिखाई देंगे, बट हाँ क्लोज कॉम्बैट में कभी कभी इसके जो FPS आपको 24-23 FPS तक भी आते हुए दिखाई देने वाले हैं अगर आप क्लोज कॉम्बैट में फाइट लोगे।
दोस्तों, बट ओवरऑल मोस्टली जो फोन 27 से लेकर 30 fps बहुत ही इजिली मेंटेन कर पाता है भाई, इवन सैनोक के बूट कैंप में। तो 30 fps की परफॉर्मेंस आपको टेक्नो स्पार्क HC में काफी तगड़े देखने को मिल जाती है। लेकिन वही बात करती है इस फोन के जायरोस्कोप एंड इसकी हीटिंग के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है इस फोन में आपको जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड गाइस सरप्राइजिंगली इस फोन में आपको हीटिंग वाला इशू भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस फोन में इवन एक घंटे की भी ऊपर की गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 37-38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है भाई, 32-33 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड भाई यूजुअली 30 fps में कोई भी स्मार्टफोन हीट भी नहीं होता है। तो गाइस बात करते हैं भाई टेक्नो स्पार्क 8C इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसकी स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.6 इंचेस का एक 90 Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले विद 180 Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको 90 Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाता है। हालांकि HD+ ही डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको 90 Hz का रिफ्रेशिंग रेट एंड 180 Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले का साइज भी काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है। और भाई 7,500 रुपये के प्राइस सेगमेंट में आपको ऐसा डिस्प्ले कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड आज तक प्रोवाइड करके नहीं दी है। ऊपर से आप आपको LPDDR4X एंड eMMC 5.1 रॉम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस जो फोन है आपको 3GB एंड 64GB वाले वेरिएंट के साथ में देखने को मिलने वाला है, विद 3GB वर्चुअल रैम के साथ में। टोटली देखा जाए तो भाई आपको 6GB के रैम देखने को मिल जाएगी विद 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। हालांकि वर्चुअल रैम का उतना अफेक्ट नहीं करने वाला है, बट हाँ आप इसके रैम को अप टू 3GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। 5000mAh की बैटरी एंड 10W का चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन वही बात करते हैं भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है भाई यूनी एसोसी की तरफ से आने वाला यूनी एसोसी T606। जी आगे इससे आपको यूनी एसोसी T606 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 12nm वाला चिपसेट है एंड डुअल 4G चिपसेट है। एंड इसका जो अंतिम स्कोर निकल के आता है वो लगभग 130,000 के आसपास का निकल के आता है। तो आप समझ सकते हो कि इस फोन में आपको परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रेसिव देखने को मिलने वाली है। कोई भी मेजर इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई इस फोन के साथ में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई फोन आपको Amazon पे 7,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपका बजट 7,500 या फिर 8,000 रुपए है और आपको ऐसा फोन चाहते हो जिसमें आप कैजुअल गेमिंग कर पाओ और आपको थोड़ी बेटर स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, तो आपके लिए डेफिनेटली बेटर ऑप्शन होने वाला है टेक्नो स्पार्क 8C 7,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। आपको इससे बेटर डील कोई भी स्मार्टफोन अभी तक प्रोवाइड करके नहीं दे रहा है। बट यार आप सभी को ये फोन कैसा लगा, क्या आप इस फोन को कंसीडर करना चाहोगे या नहीं, मुझे भी कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। बाकी यार अगर आपको टॉप ऐसे बेस्ट अपकमिंग गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है जो कि आपको मार्च 2022 में देखने को मिलने वाले, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस अभी आपको रिसेंटली लॉन्च हुए रियलमी नार्जो 54G की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस फिलहाल क्लियर इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।